सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई ऐसी थ्योरी चल रही है जिनमें कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में फैले भाई भतीजावाद और नेपोटिज्म के चलते उन्हें फिल्मों से निकाला गया, जिसके चलते अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह जैसे सितारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। हालांकि सुशांत ने खुद अपने इंटरव्यू में इन फिल्मों के बारे में सफाई दी थी। जानते हैं वो फिल्में जिन्हें लेकर फैंस में कंफ्यूजन बना हुआ है। यशराज बैनर की इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में रणवीर सिंह और वाणी कपूर नजर आए थे। इस फिल्म में रणवीर और वाणी के कई लिपलॉक सीन भी काफी चर्चा में रहे थे। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। कई अफवाहें ऐसी थी कि इस फिल्म में सुशांत को हटाकर रणवीर को लिया गया था, लेकिन सुशांत ने अपने इंटरव्यू में सफाई देते हुए कहा था कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मुझे कभी भी बेफिक्र फिल्म ऑफर ही नहीं हुई, लेकिन अगर मुझे ये फिल्म ऑफर होती भी तो मैं इस फिल्म को नहीं करता। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, तो मेरे लिए कहना आसान हो गया। दरअसल अगर यशराज जैसा बैनर मुझे डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म देता जिसे दिवाकर बैनर्जी जैसे डायरेक्टर बनाते हैं, तो मैं ऐसी फिल्म जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि दिवाकर का इस क्लासिक फिल्म को लेकर काफी अलग नजरिया है। हाफ गर्लफ्रेंड। सुशांत के सुसाइड के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई फैंस ने अलग अलग आर्टिकल्स शेयर किए थे जिनमें कहा गया कि मोहित सूरी द्वारा निर्देशित हाफ गर्लफ्रेंड में पहले सुशांत सिंह राजपूत काम करने वाले थे, लेकिन उन्हें हटाकर अर्जुन कपूर को ये फिल्म दी गई। नेपोटिज्म को लेकर पहले से ही भड़के फैंस ने अर्जुन कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया था। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक चेतन भगत ने भी ये जानकारी दी थी कि इस फिल्म में सुशांत लीड रोल निभाएंगे, लेकिन सुशांत ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इस फिल्म को लेकर कंफ्यूजन क्लियर किया था। सुशांत ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मैंने दिनेश विजन की फिल्म राब्ता को बहुत पहले ही डेट्स दी थी। ये तब की बात है जब मुझे हाफ गर्लफ्रेंड भी ऑफर नहीं हुई थी। इस बीच कुछ कंफ्यूजन हो गई थी और हमें कहा गया था कि हम दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दोनों डायरेक्टर्स एक खास महीने में ही शूटिंग करना चाहते थे। तो चूंकि मैंने दिनेश की फिल्म को पहले हाँ बोला था, तो मुझे मोहित सूरी की हाफ गर्लफ्रेंड को मना करना पड़ा। जिन्हें लगता है कि मैंने हाफ गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था, तो ऐसा वो सोच सकते हैं। मैं ऐसे लोगों की ओपिनियन की परवाह नहीं करता। फितूर। सुशांत ने इसी इंटरव्यू में फिल्म फितूर को लेकर बात की थी। इस फिल्म को अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था, जो सुशांत की पहली फिल्म के डायरेक्टर थे। सोशल मीडिया पर बस था कि सुशांत की जगह इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर को लिया गया, लेकिन सुशांत ने कहा, लोगों को ये भी लगता है कि हाफ गर्लफ्रेंड के साथ ही मैं अपने मेंटर अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर से अलग हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा था, मुझे कहा गया था कि ये फिल्म अक्टूबर में शुरू होगी, तो मैंने अपने आप को फ्री रखा। फितूर मेरे करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे मैंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े हाँ कहा था, क्योंकि ये गट्टू यानी कि अभिषेक कपूर की फिल्म थी और मैं उन्हें एक डायरेक्टर के तौर पर काफी पसंद करता हूँ। वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है, तो मैंने सितंबर से तैयारियां शुरू कर दी थी। फिर अक्टूबर आया, नवंबर भी चला गया, लेकिन फिल्म शुरू नहीं हो पाई। 15 दिसंबर को मैंने फैसला किया कि मैं फिल्म पानी में काम करूंगा और शायद फितूर में काम कर सकता हूं। लेकिन मैं उस फिल्म को छोड़कर नहीं गया था, मैंने उस फिल्म के लिए कई महीने इंतजार किया था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।